हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो वी। आज का एपिसोड शुरू करते हैं जिसके अंदर हम डिस्कशंस करेंगे कि कौन सी मूवी कितना बिजनेस कर रही है। आदिपुरुष को लेके भी डिस्कशन होगी, द फ्लैश को भी लेके होगी, और ज़रा हटके ज़रा बच के जो कि 100 करोड़ के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच रही है एज अ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। एक सरप्राइज हिट की तरह यहाँ पर साबित हुई है। तो ज़रा हटके ज़रा बच के का जो कलेक्शन है डे 19 का, वो है करीबन 1 करोड़ रुपये। कल 1.25 करोड़ रुपये करे थे, 69.5 करोड़ रुपीज़ पे कल एंड किया था, और 92 करोड़ रुपीज़ ने एंड किया था वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो कि हो गया है 93.5 वर्ल्ड वाइड, और 70.5 कलेक्शन हो चुका है इसका। तो ये 70.5 कलेक्शन का इंडिकेशन मेरे ख्याल से तो ये है कि एक विकी कौशल भी थोड़ा सा डिपेंडेबल तरीके का स्टार बनता चला जा रहा है, और दूसरा जितने भी ऐसे लोग हैं जो खुद अपने बलबूते पे आए हैं और इज्जत कमाई है हमारे नज़र में विदाउट उनके पेरेंट्स की लेगेसी की वजह से, वो थोड़े से ज़्यादा लोगों को आजकल पसंद आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। हालांकि जो लोग किसी बड़ी फैमिली में भी पैदा होते हैं, जैसे रणबीर कपूर हैं, अगर वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, ऋतिक रोशन हैं, सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं, वो भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, नई नई तरीके से रिजुविनेट करते रहते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जो टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। द फ्लैश डे 6 के अंदर 1.5 करोड़ रुपये कमा रही है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसकी भी बहुत ज़्यादा बोरिंग सी है, अदरवाइज मूवी जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जितनी ज़्यादा एक्साइटिंग है, उस हिसाब से इसकी कलेक्शन नहीं आई है। वर्ल्ड वाइड बेसिस पे ये बिल्कुल ही ठंडी रही है मूवी, हालांकि सबसे गर्म मूवी है सुपर हीरोज़ की दुनिया की। कल 19 करोड़ किए थे, अब 20.5 करोड़ हैं। ओवरऑल कलेक्शन 1100 करोड़ रुपए के आसपास इसका बताया जा रहा है, और रिवाइज नंबर कल तक आ जाएंगे कि वर्ल्ड वाइड क्या होगा। वर्ल्ड वाइड भी पूरी ठंडी है, लोग रीबूट की वेट कर रहे हैं, लोग DCU भी फिलहाल देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि DCU के यूनिवर्स की मैं बार बार बोलता रहता हूँ, द फ्लैश वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी है इसकी, और जिस तरीके से सारे किरदारों को एक साथ मल्टी यूनिवर्स में प्रेजेंट किया है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आदिपुरुष का देखो, बड़ा सिंपल सा मुद्दा है यहाँ पर कि आदिपुरुष लोगों ने रिजेक्ट करी है, और लोगों ने रिजेक्ट करी है कुछ मायनों के अंदर, और जो कि सेंसिबल लोग थे स्टार्टिंग के अंदर, फीडबैक जोन के अंदर थे। फिर ट्रोलिंग शुरू हो गई 1-2 दिन बाद, जिन्होंने अपनी रोटियाँ सेकनी होती हैं यूट्यूब के ऊपर, वीडियो बना बना के इसके ऊपर, तो नेगेटिविटी फैलनी शुरू हो गई, और फिर उसके बाद अब एक स्टेज आ चुकी है, ट्रोलिंग भी क्रॉस हो चुकी है, बदतमीजी शुरू हो गई है। तो ठीक है, उनकी इच्छा जैसे भी उनको बिहेव करना है, जिसकी वजह से अब जो कलेक्शन है वो ड्रॉप हुई है। लेकिन इसकी ड्रॉप के कलेक्शन में अगर मैं ये देखूं कि क्या ये ड्रॉप इस वजह से हुआ है कि पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, तो हाँ बिल्कुल पब्लिक ने रिजेक्ट किया है। और दूसरी बात ये है कि कितने हद तक चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं। दो चीज़ों की करेक्शन थी, एक करेक्शन थी कि कैरेक्टराइजेशन किस तरीके की, और दूसरी डायलॉग्स तो ये कर देंगे, और कैरेक्टराइजेशन ठीक नहीं हो सकती है, ये स्टेज अब क्रॉस कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से इनको अब डायलॉग्स भी ठीक नहीं करने चाहिए थे, जो इसका फेट है वो उसको वहीं पर ही रहन देना चाहिए था। बट दे सेइंग कि हम लोग इस पॉजिटिव स्पिरिट से बनाई थी, जिस भी पॉजिटिव स्पिरिट से बनाई थी, लोगों के लिए बनाई थी, तो हम करेक्ट करना चाहते हैं। तो लेकिन जिन लोगों की रोटियां सिर्फ इसी वजह से चलती हैं घरों के अंदर कि नेगेटिविटी करेंगे, और लोग नेगेटिविटी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो एक एजेंडा है इस मूवी को पुल डाउन करने का, और सबको पता है। मैं आपके पास 25 ऐसे ID भेज दूंगा जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, और उनके ID होते हैं Saurabh_V6589। ये कैसा ID होता है ये भी आपको भी पता है, आप भी समझदार हैं कौन से IT सेल्स हैं और क्या चला रहे होते हैं। मूवी अच्छी नहीं लगी उसको बदनाम करना, और मूवी अच्छी नहीं लगी उसको रिजेक्ट करने में बहुत फर्क होता है, और यही मेरे चैनल पर बोलता चला जा रहा हूँ कि मेरे पापा ने नहीं बनाई है ये मूवी, ठीक है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 1 रुपया कमाए चाहे 1,00,000 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन पॉइंट ये है कि सभ्यता के दायरे के अंदर आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डीमीन करने में लगे हुए। एनीवेज, तो जिसका कलेक्शन है वो 86 करोड़ रुपये की सावलेट फाउंडेशन से शुरू हुआ था डे 1 के अंदर, मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, गिरते गिरते कल 16 करोड़ रुपये पर गिरा, जो इसके रिवाइज नंबर्स आए। ऐसा लग रहा था कि 20 करोड़ प्लस कलेक्शन आएगा, पर नहीं आया। अब आज जो है वो 13 करोड़ रुपये की कलेक्शन है, तो जो 237 करोड़ रुपीज़ का जो कलेक्शन था वो हो गया 250 करोड़ रुपीज़, और लगभग ये 340 करोड़ रुपए के आसपास टच करती होगी। क्या ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगा? बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें भी इसकी रिकवरी होगी है। 500-600 करोड़ रुपए की मूवी मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिला मलू के लगभग 500 करोड़ रुपये टच कर जाएगी फिर भी रोते धोते। बट जो अब जो ड्रॉप है वो मेजर ड्रॉप है इसके अंदर। दूसरी चीज़ अगर मैं देखूँ थोड़ा सा ब्राइट लाइट, वो ये है कि प्रभास
प्रभास की ये मूवी है, और प्रभास अगर एक ऐसी मूवी जिसके पीछे दुनिया पड़ गई है वो मूवी को भी अगर वो 350 करोड़ तक, 400 करोड़ तक लेके जा सकता है, 500 करोड़ तक लेके जा सकता है, तो जब सलार वलार आएगी, अगर होपफुली उसका कॉन्टेंट वैसा होगा जैसा हम प्रभास को इमेजिन करते हैं, एंटी हीरो टाइप, मे बी नॉट एज राम, वो फिर पता नहीं क्या कमाल करेगी। तो स्काई इज़ द लिमिट, प्रभास को भी थोड़ी चॉइसेस ठीक करनी पड़ेंगी, और वो जिस तरीके से वो हीरो कम लगने लग गया है, वो थोड़ा सा लोग उसकी वेशभूषा, उसके वेट को लेके, मुंह जो गोल हो गया, वो सब चीज़ों को लेके भी थोड़ा मजाक के जोन के अंदर हैं, तो थोड़ा सा उसको करेक्ट ज़रूर करना होगा। उसको जो अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं वो जानते हैं, जैसे कि राजा मौली थे, उन्होंने उसको ढंग से प्रेजेंट किया था, यहाँ पर अभी वो प्रेजेंट भी ढंग से नहीं हो रहा, तो उसके लुक के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।